मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम दो विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। आकाश में यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होती है, और यदि आकाश में दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी उनके बीच की लंबवत दूरी होगी, अर्थात एक रेखा के एक बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब खींचा जाए तो एक रेखा से दूसरी रेखा पर खींचा गया लंब वही तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। इसके अतिरिक्त आकाश में ऐसी भी कुछ रेखाएं होती हैं जो ना तो प्रतिच्छेदी होती हैं और ना ही समांतर होती हैं। ऐसी रेखाओं के युग्म को असमतलीय कहते हैं और इन्हें विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं के युग्म जो ना तो प्रतिच्छेदी होती हैं और ना ही समांतर होती हैं, ऐसी रेखाओं के युग्म को युग्म असमतलीय होते हैं और इन्हें विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। अब हम दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दो विषमतलीय रेखाएं जिसमें पहली रेखा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इनटू वेक्टर v1 तथा दूसरी रेखा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर v2 हो तो यहां पर देख रहे हैं जो पहली रेखा हमारी बिंदु A से होकर जाती है जिसका स्थित सदिश वेक्टर A1 तथा बिंदु B यानी सदिश B के समांतर है, और दूसरी रेखा बिंदु A से होकर जाती है जिसका स्थित सदिश वेक्टर A2 है और वेक्टर V2 के समांतर है। इन दोनों असमतलीय रेखाओं के मध्य की अगर हम न्यूनतम दूरी निकालें तो उसका फार्मूला है D इक्वल टू मॉड B1 क्रॉस V2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मॉड B1 क्रॉस B2। इस फार्मूले से हम दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र देखेंगे। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र है दो समांतर रेखाएं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर v और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर v हो तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी d इक्वल टू मॉड b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान मॉड b होता है। इस फार्मूले में रख करके हम दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह न्यूनतम दूरी अगर रेखाएं सदिश रूप में दी हैं उस स्थिति में न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र है। अब यदि रेखाएं कार्तीय रूप में दी हैं तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी निकालने के सूत्र को देखेंगे। यदि दो रेखाएं दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है जबकि विषमतलीय रेखाएं कार्तीय रूप में दी हैं, जैसे पहली रेखा x माइनस एक्स वन अपान ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी वन और दूसरी रेखा x माइनस एक्स टू अपान ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपान बी टू इक्वल टू जेड माइनस जे टू अपान सी टू हो तो फिर इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला है d इक्वल टू वन अपान अंडर रूट d, जहाँ d के लिए फार्मूला है d इक्वल टू है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का जो फार्मूला है डी इक्वल टू वन अपान अंडर रूट डी मॉड एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। तो इस प्रकार से सारणिक की सहायता से इसका पहले हम मान निकाल लेंगे, फिर d का मान निकाल करके उसका वर्गमूल लेकर के उसे भाग दे देंगे तो दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब हम इन सूत्रों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे।
इसमें हमारा एक प्रश्न दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि दो रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस फोर के प्लस लेमडा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के और वेक्टर आर इक्वल टू थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के प्लस म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन और दूसरी रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस म्यू इंटू वेक्टर वी टू। यहाँ पर बी वन और बी टू अगर देखें तो ये दोनों समान हैं और यदि वेक्टर वी वन इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर वी टू के बराबर मिल जाता है तो इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न के अनुसार हमको दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, देख रहे हैं पहली रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लेमडा इंटू वेक्टर वी वन और दूसरी रेखा है वेक्टर आर इक्वल टू ए टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू इंटू वेक्टर वी टू। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बी वन और वी टू दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, क्योंकि वेक्टर वी वन इक्वल टू वेक्टर वी टू जो कि हमारा फार्मूला था वेक्टर वी वन इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर वी टू, जहाँ लेमडा एक अदिश राशि है तो इसमें देखें तो लेमडा के स्थान पर हमारा वन मिलता है, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब हम दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है बीच की दूरी d इक्वल टू मॉड वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड v। इसी फार्मूले में रख करके हम न्यूनतम दूरी को ज्ञात करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि b वेक्टर v का मान हम देख रहे हैं दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k और a2 a1 भी क्रमशः दिए हुए हैं। तो पहले हम वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 का मान निकालेंगे जो कि सारणिक की सहायता से प्राप्त होगा। तो इसमें अगर देखें i j k इसके बाद वेक्टर b से i j के गुणांकों को लिखेंगे। तो i का गुणांक देख रहे हैं 2 है, j का गुणांक 3 है और k का गुणांक 6 है। इसके बाद हम a2 माइनस a1 से i j k के गुणांकों को लिखेंगे। देखिए अगर a2 माइनस a1 का मान हम निकालें तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इक्वल टू a2 से a1 घटाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 का मान 3i प्लस 3j माइनस 5k है और वेक्टर a1 हमारा i प्लस 2j माइनस 4k है। तो a2 से a1 घटाना यानी 3i से i घटाएंगे 2i मिलेगा और 3j से 2j घटाएंगे तो j मिलेगा, माइनस 5k से माइनस 4k घटाएंगे ये माइनस प्लस बन जाएगा यानी माइनस k आ जाएगा। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का जो मान मिलता है 3i माइनस i प्लस 3j माइनस 2j माइनस 5k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k और सरल किए तो 3i से i घटा 2i, 3j से 2j घटाएंगे तो j मिलेगा, माइनस 5k प्लस 4k मिल करके माइनस k। तो इस प्रकार से हम a2 वेक्टर a2 माइनस a1 में i j k के गुणांकों को लिखेंगे। तो देख रहे हैं i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक माइनस 1 है। अब इसको हम सारणिक से प्रसार कर लें तो प्रसार करने पर i इंटू आई इंटू थ्री इंटू माइनस वन मिलकर के माइनस थ्री, माइनस वन और सिक्स का गुणा करेंगे तो माइनस सिक्स, माइनस जे इंटू दो और माइनस एक का गुणनफल माइनस दो, माइनस दो और छः का गुणनफल करेंगे छः दुनाई बारह, प्लस के
और इसके बाद 2 और 1 का गुणनफल 2 - 2 तिहाई 6। सरल कर लेते हैं तो -3 - 6 मिलकर के -9 आई, और -2 - 12 यानी -14 और -j गुणनफल किए तो +14j, और 2 - 6 यानी -4 के। तो ये हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान निकलता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे तो मॉड वेक्टर V क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो देख रहे हैं अंडर रूट -9 का स्क्वायर करेंगे 81, +14 का स्क्वायर 196, -4 का स्क्वायर 16, और यदि इनको हम जोड़ लें तो 6 4 10, अंडर रूट 81, 196 और 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 1 13, और 2 9 2 11, और 11 8 19, और ये हमारा 1 1 2, तो अंडर रूट 293 प्राप्त होता है। अब फार्मूले में बी के मापांक की और आवश्यकता है, तो यदि हम वेक्टर बी का मापांक निकाल लें, जबकि वेक्टर बी दिया है 2i + 3j + 6k, फिर हम फार्मूले में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं मॉड बी क्रॉस वेक्टर ए टू माइनस ए वन का मान मिला अंडर रूट 293 अपान मॉड वी। मॉड वी को अगर देखें तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, +3 का स्क्वायर 9, +6 का स्क्वायर 36, 36 9 45 4 49, तो अंडर रूट 293 / अंडर रूट 49, 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 मिल जाएगा, तो अंडर रूट 293 / 7 इकाई। तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मिलेगी, तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि विषम तलीय रेखाएं हैं, समांतर नहीं हैं, तो फिर उस स्थिति में हमारा उन दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है उसमें डी इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 डॉट वेक्टर A2 - A1 अपान मॉड B1 क्रॉस V2 होता है। तो उस फार्मूले में रख करके उनके मध्य की भी हम दूरी निकाल सकते हैं। अब हम एक कार्तीय तल पर आधारित, अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी हैं तो उस स्थिति में उनके मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करेंगे। इसमें हमारा प्रश्न दिया है कि रेखाओं x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 इक्वल टू z+1/1 और x-3/1 इक्वल टू y-5/-2 इक्वल टू z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर रेखाओं के जो समीकरण हैं वो कार्तीय रूप में दिए हैं। अब हम इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए इनका जो मानक रूप है, मानक रूप होता है x-x1/a1, x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1, और दूसरी रेखा x-x2/a2 इक्वल टू y-y2/b2 इक्वल टू z-z2/c2। तो ये दो रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण हैं। तो दिए हुए समीकरण की यदि इनसे तुलना करें तो देख रहे हैं x1 के स्थान पर हमारा x1 का मान अगर देखें तो x1 का मान मिल जाएगा -1 के बराबर, x1 = -1, y1 = -1 और z1 = -1, और इसी प्रकार x2 का मान लिखेंगे, x2 3 मिलेगा, y2 5 और z2 7। a1 का मान देख रहे हैं, a1 = 7 है, b1 = -6 और c1 = 1 दिया है, a2 = 1, b2 = -2 और c2 = 1। इस प्रकार से x1 y1 z1 x2 y2 z2 और
ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू के मान मिल जाते हैं, तो कार्तीय रूप में दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है डी इक्वल टू वन अपान अंडर रूट डी मॉड एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। बस इसी फार्मूले में मान रख देना है और यहाँ हमारा कैपिटल डी इक्वल टू होता है, अगर हम कैपिटल डी की बात करें तो डी का मान मिलता है डी इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। तो सर्वप्रथम हम सालिक्स का मान निकाल लेंगे और इसके बाद डी का मान निकालेंगे, फिर दोनों के मानों को रख करके सरल करेंगे तो दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले x2 माइनस x1 का मान अगर निकाल लें तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 मिलेगा x2 माइनस x1 इक्वल टू x2, देख रहे हैं x2 का मान 3 है और x1 माइनस 1, तो 3 से माइनस 1 घटाएंगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार y2 माइनस y1 का मान निकाल लें तो y2 माइनस y1 हमारा प्राप्त होगा y2 5 है और y1 का मान देख रहे हैं माइनस 1 दिया है तो 5 माइनस माइनस यानी प्लस 1 हो जाएगा तो 5 1 6। और z2 माइनस z1 का मान यदि निकालें तो z2 देख रहे हैं z2 का जो मान दिया है वो 7 है जबकि z1 माइनस 1 तो 7 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 7 प्लस 1 8। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्रम से दिए हैं। अब सारणिक में रख करके हम इसका मान निकालेंगे, इसके सारणिक का अगर मान निकालें तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 का मान 4 मिला, 4 y2 माइनस y1 6, z2 माइनस z1 8, फिर a1 b1 c1 देख रहे हैं क्रम से 7 माइनस 6 1 और a2 b2 c2 ये क्रम से 1 माइनस 2 और 1। अब इसको हम प्रसार कर देंगे तो प्रसार करने पर इसका मान मिल जाएगा तो 4 इंटू माइनस 6 और 1 का गुणनफल माइनस 6, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ 2 माइनस 6 इंटू 7 और 1 का गुणनफल 7 माइनस 1 1 का गुणनफल 1 प्लस 8 इंटू 7 और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 14 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया 6 कम 6। अब इसको सरल करें तो माइनस 6 प्लस 2 मिलकर माइनस 4, और माइनस 4 में 4 से गुणा होगा तो माइनस 4 चौक 16 और माइनस 6 7 से 1 घटाए 6 तो 6 छंक 36। और इधर देख रहे हैं माइनस 14 प्लस 6 यानी माइनस 8 में 8 का गुणा होगा तो माइनस 8 उठाए 64। तीनों संख्याओं का यदि योग कर लें 6 4 10 6 16 और 7 3 10 1 11 तो माइनस में 116 आया। अब क्योंकि माड लगा है इसका मापांक निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो जो कि पॉजिटिव होगी इसलिए माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे तो ये बराबर 116 के मिल जाएगा। अब हम कैपिटल डी का मान और निकाल लें, कैपिटल डी का मान निकालने के बाद फिर दिए गए फार्मूले में रख देंगे तो दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो डी के लिए हमारा फार्मूला है डी इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। अब इसी में हम मान रख दें तो देखेंगे ए वन बी वन सी वन क्रमशः जो दिए हैं, देख रहे हैं ए वन बी वन सी वन का मान क्रमशः माइनस वन माइनस वन और माइनस वन, तो ए वन बी वन सी वन जो दिए हैं वो हमारे 7 माइनस 6 1 हैं। तो देख रहे हैं इसमें जो ए वन बी वन सी वन का मान है वो क्रमशः 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 और 1 दिया है और
ए टू बी टू सी टू ये हमारे एक माइनस दो एक हैं, इन मानों को यदि हम लिख लेते हैं, सात माइनस छः एक, सात माइनस छः, सात माइनस छः एक, और ए टू बी टू सी टू हमारा दिया है एक माइनस दो एक, एक माइनस दो एक, तो ये क्रमशः ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू के मान है। अब इन मानों को हम रख करके सरल करेंगे तो देख रहे हैं दिया है ए वन बी टू, तो ए वन का मान देख रहे हैं इस क्रम से, ये ए वन हमारा सात है तो इस क्रम से गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो सात और माइनस दो का गुणा किए तो माइनस चौदह, इसके बाद माइनस ए टू बी वन यानी एक का माइनस छः से गुणा करेंगे तो माइनस छः मिलेगा, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, छः का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू यानी माइनस छः का एक से गुणा करेंगे तो माइनस छः माइनस, फिर माइनस दो में एक से गुणा होगा और माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो गया का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू यानी एक का गुणा एक से किए तो एक एकम एक माइनस, फिर इसके बाद सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन एक का गुणा सात से करेंगे सात मिलेगा तो एक माइनस सात का होल स्क्वायर, सरल करेंगे तो माइनस चौदह प्लस छः यानी माइनस आठ का स्क्वायर चौंसठ प्लस माइनस छः प्लस दो माइनस चार का स्क्वायर सोलह प्लस एक माइनस सात माइनस छः का स्क्वायर छत्तीस, जोड़ेंगे तो छः चार दस छः सोलह और चार एक पाँच पाँच छः ग्यारह एक सौ सोलह। तो इस प्रकार से दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी d बराबर मान रख देते हैं तो सारिक का मान हमारा प्राप्त हुआ था 116 बटे अंडर रूट डी अंडर रूट 116, काट के सरल करेंगे अंडर रूट 116 से 116 काटेंगे तो अंडर रूट 116 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसके अगर हम खंड करें तो इसके खंड 4 गुणे 29 गुणा करके देखेंगे 4 नाई 36 4 गुनाई 8 3 11 तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 29 इकाई। तो यही दिए हुए प्रश्न में दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान होगा। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 में 8 अंकों का आया हुआ है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।